हेलो एंड वेलकम टू मीरब्स किचन। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये पॉपकॉर्न की है। ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और ये आज मैं आपको टू वेज से बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं बेसिक पॉपकॉर्न तैयार करूंगी, उसके बाद कैरमल वाले बनाऊंगी। तो जो चीजें हमें चाहिए वो ये हैं। इसके लिए हमें चाहिए मकई के दाने, ये आधा कप है, और ये आप मार्केट से लेंगे तो ये सख्त वाले हों। 5 टेबल स्पून हमें ऑयल चाहिए, 1/2 टीस्पून हमें नमक चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, और ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें नमक डालेंगे। आंच आपने इसकी स्लो रखनी है और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बर्तन आप लें उसका ढक्कन जरूर हो। अब हम इसमें कॉर्न शामिल करेंगे। सारी कॉर्न को अच्छे से घी लग चुका है। जैसे ही पॉपकॉर्न बनना शुरू होंगे हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। जैसे ही इसकी आवाज आना बंद हो जाए तो पॉपकॉर्न हमारे तैयार होंगे। अब इसका ढक्कन उठाते हैं, चूल्हा बंद कर दें। बेसिक पॉपकॉर्न हमारे तैयार हैं, तो अब हम इन्हीं से कैरमल वाले पॉपकॉर्न तैयार करते हैं। अब हम कैरमल पॉपकॉर्न तैयार करते हैं तो उसके लिए जो चीजें चाहिए वो ये हैं। पॉपकॉर्न जो अभी हमने तैयार किए हैं वो, मीठा सोडा हम लेंगे चुटकी भर, चीनी लेंगे 1/2 कप, मक्खन लेंगे 2 टेबलस्पून। हम सेम पैन ही यूज करेंगे, उसमें हम चीनी डालेंगे। आंच हम इसकी स्लो ही रखेंगे जब तक ये कैरमलाइज ना हो जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता से चीनी ने मेल्ट होना शुरू कर दिया है। फ्लेम आपने मुसलसल इसका स्लो ही रखना है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें बटर शामिल करेंगे। बटर से एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें और इसमें पॉपकॉर्न में शाइन आएगी। मीठा सोडा हम इसमें शामिल करेंगे चुटकी भर। फ्लेम हमने इसका ऑफ कर दिया, अब हम इसमें पॉपकॉर्न शामिल करेंगे। कैरेमल पॉपकॉर्न तैयार हैं, तो आपने जब इसकी कोटिंग करनी है तो इसको जल्दी से दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफर कर लेना है, क्योंकि कैरेमल जल जाने की वजह से पॉपकॉर्न कड़वे भी हो सकते हैं। तो अब जैसे ही ये ठंडे होते हैं हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। अब ये ठंडे हो चुके हैं तो मैं इन्हें अलग कर लेती हूँ। पॉपकॉर्न हमारे तैयार हैं, तो आप इन्हें बनाएं, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।